वरोरा भद्रावती विधानसभा से मुख्य राजनीतिक पार्टी के साथ अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। चंद्रपुर जिले में वर्रा भद्रावती विधानसभा सीट कई कारणों से पहली चर्चित हो चुकी है। नामांकन दर्ज करने के आज अंतिम दिन उम्मीदवारों ने एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना अपना नामांकन भरा, जिसमें सेना भाजपा तथा गठबंधन के प्रत्याशी संजय देवतले ने नामांकन दर्ज किया। इस दौरान संजय देवतले के साथ शिवसेना जिला प्रमुख नितिन मत्ते, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मनोहर कौनकर, नगराध्यक्ष एहतेशाम अली के साथ गठबंधन के अन्य नेतागण मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए डॉक्टर विजय देवतले ने भी अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ में आशावादी देवतले के साथ अन्य नेता मौजूद थे। साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अमोल बावने ने नामांकन भरा और वही मनसे की ओर से रमेश महादेवराव राजूरकर ने नामांकन भरा, जिनके साथ मनसे के नेता सचिन भोयर, राहुल बालमवार के साथ अन्य नेतागण मौजूद थे। इस दौरान इन सभी उम्मीदवारों से सिटी न्यूज के चेतन लुथड़े तथा अन्य पत्रकारों ने जब जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वे किन मुद्दों पर यह विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने इस संबंध में क्या कहा, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर वरोरा या विधानसभा क्षेत्र महायुति का उम्मीदवार मनुन शिवसेनेतर्फे उम्मेदवारी अर्ज दाखिल है। निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, रासप, RPI, आठवले गट, सर्व जे महायुतीमध्ये आघाडीमध्ये पक्ष सामील आहे, सर्व मिळून आम्ही या निवडणुकीमध्ये या विधानसभेवर महायुतीचा झेंडा हा फडकल्याशिवाय राहणार नाही। पक्ष उमेदवार म्हणून 75 वरोरा विधानसभा क्षेत्राकरिता उमेदवारी दाखल केलेली आहे। मी काँग्रेसची उमेदवारी मागितली होती पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी विश्वासघात केला, स्थानिक नेत्यांनी विश्वासघात केला, माझ्या आमच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा अपमान केला, त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर मी अपक्ष उमेदवार म्हणून या निवडणुकीत भाग घेत आहे। आमची धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी आमची लढाई आहे। मी वंचित बहुजन आघाड़ी या पक्षातर्फे आज विधानसभा क्षेत्रातील वडोदरा या ठिकाणी अर्ज नामांकन अर्ज दाखल केला आहे आणि या क्षेत्रामध्ये सर्वसामान्य जनतेचा ज्या समस्या आहेत, ज्या छोट्या छोट्या समस्या आहेत, त्या समस्याला घेऊन भविष्यामधील त्या या क्षेत्रातील समस्या वंचित बहुजन आघाडीतर्फे हे सोडवले जातील आणि वंचित बहुजन आघाडी हे सर्वसामान्य छोट्या छोट्या समूहातील घटकातील लोकांची आघाडी आहेत। आजपर्यंत ज्या छोट्या छोट्या समूहाला या विधानसभा क्षेत्रामध्ये नेतृत्व मिळालं नाहीत आणि त्यांच्या समस्या सोडल्या नाहीत, तर या माध्यमातून हे नेतृत्व निर्माण करून यांच्या समस्या सोडवल्या जातील आणि या विधानसभा क्षेत्रामध्ये हा सर्वसामान्य उमेदवार असल्यामुळे या क्षेत्रातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, हे संपूर्ण जनता या वंचित बहुजन आघाडी उमेदवाराच्या पाठीमागे ठामपणे उभी आहे।